ये बॉलीवुड भी कमाल की जगह है वैसे। एक फिल्म बनना शुरू होती है, एक्टर्स फाइनल हो जाते हैं, स्क्रिप्ट भी पढ़ लेते हैं, लेकिन रातों रात वो एक्टर जो फाइनल हुआ होता है उसे फोन चला जाता है कि भाई आप कल से मत आना, हम किसी और को ले रहे हैं और कोई और आ रहा है। नमस्कार, मैं हूँ उपासना, आप देख रहे हैं द ललन टॉप। बॉलीवुड किस्सों में एक ऐसा किस्सा भी हुआ था, फिल्म भी फूल और कांटे 1991 में आई थी और इसमें अजय देवगन हमें मिले थे। अब इसकी क्या कहानी है यही मैंने आपको संक्षेप में भी बता दी जो पूरी बताने वाली हूँ। भाई बात यह है कि अजय देवगन जो इस फिल्म के लीड थे वो पहले नहीं थे, इस फिल्म के लीड अक्षय कुमार थे। उन्होंने स्क्रिप्ट सुन ली, सब कुछ फाइनल हो गया, यहाँ तक कि जो गाने की रिकॉर्डिंग होती थी ना उसमें भी स्टूडियो में जाकर उन्होंने हिस्सा लिया। फिर शूटिंग से एक दिन पहले, मतलब जब पहला दिन था शूटिंग का, उससे पहले एक एक्टर अपने आप को प्रिपेयर करता है, तैयारियाँ करता है सारी। तो तैयारी जब वो कर रहे थे तो उन्हें एक कॉल आया कि हेलो अक्षय, आप ऐसा करना कि कल मत आना क्योंकि आपकी जगह कोई और आएगा। अब ये कैसे हुआ? अब अजय देवगन को ये फिल्म कैसे मिली ये तो आपको जानना ही चाहिए। अजय जब कॉलेज की पढ़ाई कर रहे थे तो पार्ट टाइम शेखर कपूर उनकी फिल्म दुश्मनी में असिस्ट कर रहे थे। तब तक अजय ने फिल्मों में आने को लेकर कोई डिसीजन नहीं लिया था। एक शाम वो घर लौटे तो डायरेक्टर संदेश कोहली, जिनको कुक्कू कोहली भी कहते हैं, उनके पिता वीरू देवगन के साथ बैठे हुए थे। वीरू ने कहा कि संदेश फूल और कांटे नाम की एक फिल्म बना रहे हैं और तुम्हें इसमें लेना चाहते हैं। इस पर अजय की पहली प्रतिक्रिया थी, आप पागल हो गए हो क्या, अभी सिर्फ 18 साल का हूँ मैं और अपनी लाइफ एंजॉय कर रहा हूँ। अजय ने बिल्कुल मना कर दिया और चले गए। ये बात है 1990 के अक्टूबर महीने की और नवंबर में वो उनकी फिल्म की शूटिंग करने लगे थे। अब बात इस फिल्म फूल और कांटे की आपको बताते हैं कि अजय की एंट्री इस फिल्म में बहुत ही धासु तरीके से हुई थी। पापा एक्शन डायरेक्टर हैं ये पता चल रहा था। अजय देवगन दो बाइक्स पर खड़े होकर कॉलेज में एंट्री लेते हैं, बाइक्स चल रही होती हैं और अजय अपने पैरों को ऐसे खोलते जाते हैं, एक लेग स्प्लिट कर देते हैं, जो आपको सन ऑफ सरदार और रोहित शेट्टी की गोलमाल सीरीज में भी देखने को मिला था। एक पर वो घोड़ों में चढ़कर आ रहे थे और दूसरी में चलती गाड़ियों पर खड़े होकर आए थे। हालांकि ये सीन टेक्निकल मदद से और ग्राफिक से किए गए थे, लेकिन फूल और कांटे वाला सीन ऐसे ही फिल्माया गया था जैसा वो दिखता है। अजय देवगन की ये जो एंट्री वाला सीन था ये उनके पापा वीरू देवगन और डायरेक्टर कोहली ने खुद प्लान किया था। उन्होंने कहा था कि ये बिल्कुल ऐसा ही जाना चाहिए, लेकिन उनको ये समझ नहीं आ रहा था कि बिना कंप्यूटर ग्राफिक्स और केबल का यूज़ किए ये सीन शूट कैसे होगा। भाई अजय देवगन को भी बहुत डर लग रहा था, उनको लग रहा था कि पता नहीं मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, लेकिन बचपन से ही उनके पापा के साथ उनका उठना बैठना था और एक्शन टीम के साथ भी वो ज़्यादातर रहते थे तो एडवेंचरस थे लाइफ में। उन्होंने कहा ठीक है मैं एक शॉट तो दूंगा। उन्होंने जैसा फिल्म में दिखाया गया है बिल्कुल वैसे ही सीन को किया और बहुत ही जल्दी ये सीन हो गया। बिल्कुल निडर तरीके से अजय देवगन ने अपनी ये एंट्री का धासु सीन किया जिसे देखकर मज़ा आ जाता है। बाकी अगर आप ऐसे और मज़ेदार किस्से जानना चाहते हैं तो ललन टॉप का जो फेसबुक का पेज है उसे ज़रूर लाइक कीजिएगा फेसबुक पर, और यूट्यूब पर हमारा चैनल है वो भी जाके सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।